मिस साइंस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। ये ट्रेन का पार्ट टू वीडियो है, तो देखा जाए दोस्तों। ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन जो मान लीजिए इधर से भी ट्रेन आएगी और इधर से भी जाएगी, तो यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे भी बैठा हुआ है, ठीक ना। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चाल चाल जुटता है, ठीक ना। जब दोनों आमने सामने से आएगी तो चाल जुटता है। इसको मान लीजिए V1, इसको मान लेते हैं V2, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन की चाल जुटेगा, ठीक है। तो देखा जाए रिलेटिव डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं रिलेटिव डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन यानी अपोजिट D1 + D2। इसमें हमेशा जोड़ कर निकाला जाता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन हमेशा जुटता है, ठीक है। क्रॉसिंग करने में लगा समय बराबर हो जाएगा, वो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चल हो जाएगा, तो ठीक है। इसको देखते हैं तो देखा जाए आर एस अग्रवाल का दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्रेन का है। क्या पूछा है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो मान लीजिए ये दोस्तों, ये मान लीजिए इसको क्या मानते हैं, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, ठीक है ना। ये ट्रेन है, मान लेते हैं ट्रेन है, ठीक। यहाँ इस तरह ट्रेन मान लेते हैं, तो इसका जो दिया है 100 मीटर लंबी ट्रेन है, कितनी 100 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, एक लाइन खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। तो कितने देर में पार करेगी, तो बस क्या करना है, समय निकाल देना है। समय पूछ ही रहा है, तो समय आपका कितना हुआ है, कितना 100 किलोमीटर 100 मीटर लंबी है, तो समय तो 30 हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 5/18 हो जाएगा। इसको हम ऊपर लिख देंगे, उसके बाद 18 ऊपर चल जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 30 × 5 हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो इसको हम कटाते हैं 0 से 0, इसको 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 12, 12 सेकेंड आपका हो जाएगा आंसर सेकेंड, ठीक है। ऐसा करते होंगे समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 171 मीटर लंबी ट्रेन लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर 229 मीटर लंबे पुल को कितनी समय में पार करेगी कर लेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यानी पुल है और ये ट्रेन है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ट्रेन है, ठीक। और ये मान लीजिए पुल है, इसको मानते हैं पुल, ठीक, पुल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो दिया है कितनी मीटर लंबी है, तो 171 मीटर लंबी है, आगे कितनी है 200 मीटर 229 पुल है, ठीक है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो कितने है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, ठीक है।
45 किलोमीटर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, तो 40 पूछना है जी, क्या पूछा है। हाँ समय, तो यानी चल, तो सॉरी यहाँ पे चल हो जाएगा, चल। चल मान लीजिए इसको जो प्लेटफार्म है और इसका दूरी दोनों का जोड़ देंगे, ठीक है। 171 प्लस 229 बटन 45, जो यहाँ पे का किलोमीटर पूछा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18 से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 400 इसको जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 × 18 ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा आपको 45 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटते हैं कितना बार में, 80 बार में, ठीक है, 80 बार में। तो इसको देखिए काटते हैं कितने बार में, 15 × 45, तो इसको 3 बार, 6 हो जाएगा, और इसको कितना, 5 × 5 = 8, 16 × 5 = 16, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी 6 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कटने पर 16 × 2, ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 × 2 = 32, 32 जो ऑप्शन आपको दिया है सी, 32 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी दिया है। आशा करते होंगे समझ में आएगा, ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रही है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई को प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो देखिएगा रेलगाड़ी की चाल जो क्या बोल रहा है, लंबी, एक लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी बनाते हैं, मान लेते हैं ये रेलगाड़ी है, ठीक है। इसको कितना सेकंड में लगता है, 18 सेकंड लग रहा है, ठीक ना, 18 सेकंड। आ इसका लंबाई कितना दिया है, लंबाई 180 मीटर है, ठीक है, 180 मीटर है। तो इसको भी जो मान लीजिए इसको जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म भी इसको भी 180 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म है, ठीक है। तो यहाँ पे चाल निकालने को बोला है ना, चाल, तो चाल बराबर आपको क्या हो जाता है, देखिए पहले इसको हम जूटेगा, दोनों क्या होगा, जूटेगा। जब पुल और रेलगाड़ी की लंबाई होता है तो इसमें जूट होता है, ठीक है। तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 आपको हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। कितना सेकेंड ले रहा है, 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। तो इसको कटेंगे तो 18 × 36 आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।